पॉपुलर फ्रंट की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए केरला बंद के दौरान कई क्षेत्रों से हिंसा की खबरें आई थीं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस चला रहा है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान कई बसों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और 170 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वायरल वीडियो में शख्स की पहचान KSRTC ड्राइवर के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि ड्राइवर अलुवा डिपो का है। बसों पर हुए हमले के बाद कई चालकों ने सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट लगाकर बस चलाने का फैसला किया था। कोझिकोड में पत्थरबाजी के चलते एक बस चालक की आंखों में चोट आई थी। फिर खुद ही दे रहा विदेशी कनेक्शन का सबूत। पुणे में लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 368 हिरासत में और 157 मामले दर्ज। केरल पुलिस ने शुक्रवार को राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की ओर से बुलाए गए सुबह से शाम तक के बंद के दौरान विभिन्न हिंसक घटनाओं के संबंध में 170 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 368 एहतियातन हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर हिंसक घटनाओं में शामिल PFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 157 मामले दर्ज किए गए हैं। पथराव की घटनाओं में KSRTC की 75 से अधिक बसें क्षतिग्रस्त हो गईं और 11 कर्मचारी घायल हो गए। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक कर्मचारी उस समय पेट्रोल पंप फेंका गया जब वह बाइक पर सवार होकर अपने कार्यालय जा रहा था। उलियल के निवेदनाक के व्यक्ति को मट्टनूर के तालुक अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। हड़ताल समर्थकों ने मट्टनूर में KSRTC की एक बस पर पेट्रोल पंप फेंका। इस घटना में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 15 PFI SDPI कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच मट्टनूर के पास शिवपुरम में एक RSS कार्यालय पर पेट्रोल पंप हमला हुआ। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कन्नापुरम पुलिस ने यहां से 2 पेट्रोल पंप जब्त किए और कल्यासेरी एनएच से एक PFI कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। हड़ताल समर्थकों ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उन पर मिट्टी का तेल डालने में कामयाब रहे। इन पुलिसकर्मियों की पहचान विनोय और सनीश के रूप में हुई है। उन पर तब हमला किया गया जब उन्होंने आंदोलनकारियों को कन्नूर में पप्पिनसेरी के पास मनकदावू चालिल में सड़कों को अवरुद्ध करने से रोकने की कोशिश की। कोल्लम जिले के पल्ली मुक्कू में 2 बाइक सवार PFI समर्थकों ने 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला किया। एजेंसी इनपुट के साथ।